मेरा एक दोस्त है उस्मान, बेसिकली मेरा ए लेवल्स का दोस्त है, और मैं जब भी यहाँ पर जितनी बार भी जिंदगी में लंदन आया हूँ, यहाँ पर रहता लंदन में। और उसके बाद में खास बात यह है कि जो मेरा एक कैमरे छापने का सारे शौक वॉक है ना सारे, ये हम दोनों के साथ साथ डेवलप हुए थे जब हम ए लेवल्स में थे। तो मैं जब उनसे मिलने जाता हूँ तो कुछ ना कुछ होता है इस तरह की बात कि यार चलो ये शूट करते हैं, वो शूट करते हैं। आज भी कुछ इस तरह की बात डेफिनेटली होगी, लेकिन मुझे पता नहीं हम क्या शूट करेंगे, कुछ ना कुछ तो बना लेंगे मजे की चीज़ मुझे लगता है। फिट जगह है यार ये, किसी दिन की बॉलीवुड का गाना शूट करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ बाउंड द बाउंड बॉन्ड स्ट्रीट स्टेशन, जहाँ पे उस्मान यहाँ पे आ रहा है, मैं उससे यहाँ मिलूँगा, फिर देखते हैं। लाइक आई सेड बिफोर, देखते हैं। हेलो उस्मान। हे पीपल, क्या हाल है तुम्हारे? मेरे क्या हाल है, आई डोंट नो, आई एम हैप्पी। हम कहाँ हैं आसमान? एबी रोड के पास हैं, सेंट जॉन्स वर्ल्ड। यहाँ क्यों आए हम लोग? बिकॉज हम यहाँ कितने साल पहले, चार साल पहले हम लोग यहाँ पर आए थे। और उससे पहले फिर हम जब पहले इंग्लैंड मूव हुए थे, एंड इधर एक आई थिंक कहानी है हमारी। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक रोड है एबी रोड, विच इज़ बेसिकली नोन फॉर, इट इज़ नोन फॉर इट्स आइकॉनिक बिकॉज जो बैंड था बीटल्स, उनकी एक बहुत आइकॉनिक एल्बम एबी रोड का कवर जो है वो यहाँ पे एबी रोड पे ही शूट हुआ है। और जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं बहुत फैसिनेट हुआ था, बिकॉज मैंने बीटल्स सुना हुआ था पहले। सो जब मैं उस्मान से भी मिला था तो फिर हमने कहा था चलो पहले एबी रोड चलते हैं। सो उनके एक बहुत ही पर्टिकुलर तरीका है पिक्चर, जिस तरह उन्होंने ली हुई है, दे आर वॉकिंग ऑन द क्रॉस वे एंड किसी ने सामने से पिक्चर ली हुई है, जो भी यहाँ पे आता है भले मैं हूँ भले कोई और टूरिस्ट हो, दे जस्ट टेक द पिक्चर द सेम वे। सो नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि हमने ये दो बार ऑलरेडी कर चुके हैं, so there is no need to come here, why the hell are we coming here again? I guess ये भी बात है इसमें भी कि हम लोग पहली बार यहाँ पे आए थे तो वो एक मेमोरी सी अटैच हो गई उससे। ऊपर से पर्सनली मैं बीटल्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, इससे तो मुझे ये जगह बहुत फिट लगती थी। तो मैं ऐसा कम ही होता कि मैं इस बंदे से मिलूँ और हम लोग एबी रोड ना आए, और वो एक पर्टिकुलर पिक्चर ना, आज तो कैमरा भी अच्छा, क्योंकि हम लोग ने इतनी मरतबा ट्राई किया है, इवन हम लोग ने चार बजे रात ट्राई किया है पिक्चर लेना, लेकिन नहीं नवीद मतलब कभी इसकी पिक्चर सही आती थी इसी, कभी भी वो आइडियल पिक्चर नहीं आई। आई थिंक वो आइडियल पिक्चर हम कैप्चर भी नहीं कर सकते कभी, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत होती हैं, क्योंकि नवीद वो पिक्चर वो बीटल्स की है। और तो आपका भाई काम है जॉन लेनन से? नहीं, ये पिक्चर हमारी है। इस बार मतलब तुम ये बोल रहे हो कि हम उस तरह पिक्चर लेते ही नहीं है, कुछ और करते हैं, क्योंकि प्रोबेबली वी कैन नेवर मैच The Beatles. We can never be the Beatles, right? Yeah, and they can never be Usman and Naveed. Nahi. Oye, 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 oye. Aansu aa gaye. अच्छा मैं कह रहा था कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये इस पिक्चर को अराउंड 80-70 ईयर्स हो गए होंगे। 1969 में बीटल्स ख़त्म हो गया था, तो उनकी सेकेंड लास्ट एल्बम थी 1968 में आई होगी मैक्सिमम 68 में आई होगी। तो आज तक 70 ईयर्स लेटर हमारी पिक्चर अलग है, हमारी पिक्चर, ये बात हमने आज रियलाइज़ की है कि हम वो नहीं है। हमारी पिक्चर क्या है फ्रॉम द अदर एंड? वो तो वही चीज़ हो जाएगी। It's not the picture, it's the story behind the picture. Oh yes, maybe it's just the video then. हमारी क्या पता video है? क्या पता हमारी video है? वो shot लेते हैं but video में लेते हैं। Alright. हमारी video है भाई, हमारी picture नहीं, हमारी video है। तो मैं अब जा रहा हूँ उधर, यहाँ उस्मान भाई मेरी iconic video लेंगे। यार ये बहुत famous ना होता है video, लोग फिर अभी रोड हमारे लिए आ रहे होंगे। Fame central कर लेना उस्मान पूरा। Ready?
यार जब मैं और उस्मान यहाँ पे शुरू में आए थे पहली बार, तो हमने भी इस तरह ये दीवार पे लिखा था अपना मैसेज फॉर द बीटल्स। लेकिन मुझे याद है जब हम सेकंड टाइम आए थे तो हमें मैसेज यहाँ पे वाला नहीं मिला था, शायद वो किसी ने मिटा दिया, शायद ये दीवार को रीपेंट करते हो आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। बट वी शुड राइट समथिंग अगेन। क्या लिखते हो? और मैं इसको कंप्लीट करूँ। ये जो सेंट जॉन्स वुड का इलाका है, इसके अंदर एक चीज़ और है बड़ी प्रोमिनेंट, जो शायद मेरे लिए बीटल्स से कई करोड़ों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पर्सनली। जहाँ मैं अनफॉर्चुनेटली भी अंदर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन जहाँ मैं बाहर से आप लोगों को दिखाऊँगा, उसका लेवल कुछ और है मेरे लिए। इधर बाद मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हें? मेरे दिल में उफ ओ ओ नहीं। इस बंदे को जीरो फर्क पड़ता है कि कहाँ पे खड़ा हुआ है। दिस माइट एज वेल बी अ शादी का हॉल एंड ही वुडंट, इट वुडंट मैटर टू हिम। हाउ सैड। How sad is my life, right? Amazing, 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 amazing. तो संडे को साउथ अफ्रीका का मैच है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे मैंने कोई टिकट नहीं लिया हुआ। लास्ट टाइम मैं इंडिया वाले मैच में घुस गया था थैंक्स टू क्रिक एंड जिफ। इस बार कुछ आइडिया नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, मैच में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। बट अगर मैं नहीं भी गया तो बाय द वे मैं कभी भी लॉर्ड्स के अंदर नहीं गया हुआ, हालांकि मैं लंदन में रुका हूँ। मेरे पे लानत बहुत बड़ी, बट कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन मैच की सुबह, भैया मेरा आपसे वादा है, मैं यहाँ आऊँगा ज़रूर, कन्फर्म।